आइए तिवारी जी, स्वागत है आपका। जी सर। सम्मानित साथियों, आदरणीय शिक्षक बंधु जी, आप लोगों का आज के इस शैक्षिक संवाद में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज का जो शैक्षिक संवाद है हमारा कक्षा एक और दो पढ़ने वाले शिक्षकों का है। और आज के जो बिंदु होंगे हमारे आकलन आवधिक के आधार पर जो पाठ योजना निर्माण है इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और आप लोगों से यह अपेक्षा है कि आज आप सभी लोग प्रत्येक बिंदु पर एक एक करके पार्टिसिपेट करेंगे और आपके जो विचार हैं, आप लोगों के मन में जो बातें हैं या कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम सब मिल करके यहाँ पर हल करेंगे। परिचय की वेला प्रारंभ करते हैं तो हमारे बीच में एस आर देशमुख सर उपस्थित हैं और आदरणीय कुरेंद्र सर कक्षा की भूमिका में आज हैं और मैं स्वयं कार्यक्रम में सहज कक्षा की भूमिका में हूँ। और आज छोटे गतिविधि के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर जानकारी लिखिए, अपने नाम के साथ आप शिक्षक क्यों बने हैं, इसका कारण एक पंक्ति में एक लाइन में आपको बताना है। और मैं ये जो चिट रखी है आपके नाम की, इन चिट में से जिसका भी नाम निकले वो आकर यहाँ पर अपने आप को एक पंक्ति में क्यों प्रस्तुत करना है। और एक बात कहना चाहूँगा मैं, अपने पास टाइम लिमिट है, उसमें आज के शैक्षिक संवाद का जितना मटेरियल है उस संबंध में लगभग चर्चा हो जाए तो ये हमारा शैक्षिक संवाद सारगर्भित होगा। अपने बच्चों के साथ अगर कोई गतिविधि करते हैं तो हम 2 मिनट का टाइम दें, और थोड़ा सा अगर लगता है कि प्रश्न जटिल है तो 3 मिनट का टाइम दें। तो अभी आप लोगों को 1 मिनट का टाइम है, आपने देख लिए बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्न, इस बारे में आप सोच समझ लें, 1 मिनट का फिर टाइम है, इसके बाद ये चिट्ठी निकल गई। नाम सबसे पहले नाम निकला है गौतम सर। मैं महानंद गौतम, इसलिए कि लोग मुझे पहचान। शिक्षा इसलिए बताऊँ कि बच्चे जो उनके गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए और उनके भविष्य उज्जवल बनाने के लिए शिक्षक इसलिए बना हूँ ताकि जो बच्चे को वांछित शिक्षा उसके अनुरूप प्रदान कर सकूँ, इसलिए मैं शिक्षक। मेरा नाम सपना चौधरी है, मैं इसलिए शिक्षिका बनी हूँ मेरे छोटे छोटे नन्हे बच्चों को अच्छे से सिखा सकूँ। जन शिक्षा केंद्र स्तर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये कक्षा 1 से 5 में जो शैक्षिक संवाद आयोजित करने के लिए जो डिजाइन सिद्धांत। और पिछले शैक्षिक संवाद में हम लोगों ने कुछ बिंदुओं पर चर्चा किए थे, आप लोगों को निश्चित रूप से ज्ञात होगा कि वे कौन से बिंदु थे जिन पर हमने डिस्कशन किया था, शैक्षिक संवाद आयोजित किया था। बहुत सही है और बहुत अच्छा है, इसमें अपने को जैसे सर ये हरी पट्टी में जो दिया हुआ है तो अपन बहु कक्षा शिक्षण में दोनों क्लास को लेके अपन एक साथ दोनों में मार्गदर्शिका के हिसाब से। और उसके बाद सर टाइम इसमें बटा हुआ है तो अपन जैसे पहली का क्लास को पढ़ा रहे हैं, अगर इसमें अपन जैसे देख रहे हैं कि अगर दूसरी क्लास को थोड़ा सा काम वहीं के वहीं पे दिया हुआ है कि उनको क्या करना है, तो दोनों क्लास का अपन बहुत अच्छे से इसमें पढ़ाई करवा सकते हैं। और निश्चित तौर से विशेष तौर से जो पिछला जो शैक्षिक संवाद था
दो बिंदुओं पर आधारित था। जो शिक्षक संदर्शिका है वो बहुपक्षीय शिक्षण में किस प्रकार हमारे लिए सहायक हो सकती है ना। धन्यवाद। हम आगे बात करते हैं आगामी बिंदुओं पर, हमारे सहजकर्ता प्रकार डालेंगे। माह अक्टूबर के लिए हमारे पास विषय वस्तु के लिए आकलन अवधि ट्रेकर अपडेट और दोहरा पुनर्गण, उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। और आप लोगों की तरफ से भी जो आप अपनी कक्षा या शाला में जो कुछ बच्चों के बीच में कुछ नवाचार करते हैं वो भी आपके तरफ से आना चाहिए। अभ्यास पुस्तिका सर बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बच्चा उसमें बहुत कुछ अपने मर्जी से करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो उसको अलग अलग तरीकों से, मतलब एक ही शब्द को इतने तरीके से समझाया गया है जिससे कि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। आलिया गंगाधर बहनी ने बोली थी कि टाइम का, तो क्या हमारे पास बच्चों के बीच में हम जाते हैं तो हमारी जो टाइम लिमिट है वो क्या पर्याप्त है? नहीं, पिछली बार भी नहीं चर्चा हुई थी। हाँ। क्या है, हम जो दिया है इसके आधार पे हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते, है ना, उसको फिर थोड़ा अपने स्तर से करना ही पड़ता है। अपने हिसाब से थोड़ा एक शिक्षक के पास दो तीन कक्षाएं हैं, है ना, जैसे मेरे पास पांचवी कक्षा है और दूसरी कक्षा है, एक सर के पास तीसरी और चौथी कक्षा है, तो समय को हमको एडजस्ट करना पड़ता है। ये जो दिया हुआ है संदर्शिका के आधार पे चले तो बच्चों में वास्तविक में आएगी गुणवत्ता, वो भी हमें शैक्षिक संवाद के बाद से करना। शिक्षक पर्याप्त हो जाएंगे तो पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। पहले दूसरी को हम पढ़ा रहे हैं सीजीपीए के लिए, जैसे हम गणित पढ़ा रहे हैं तो कंकर उठा लिए, बता दिए कि बेटा कंकर नहीं, बच्चे को अपने आस पास की चीजों से ही उसको जोड़ते हुए उसे सिखाना, मतलब हमारा सिद्धांत ये हमें उसे सिखाना है बस। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, सभी लोग जानते हो, आसपास से जानते हो, चाहे पहले से जानते हो, घर के परिवेश से सीख के आए हो, के साथ अगर कोई स्कूल में कोई समस्या आ रही तो उसको हम आपस में शेयर करके। हमारे संवाद का मुख्य उद्देश्य है हम एक दूसरे से एक दूसरे के विचार को साझा करें, यहाँ से एक दूसरे का अनुभव प्राप्त करें और इसी को जाके अपने कक्षा में उपयोग करें और बच्चों को लाभान्वित करें, ये मुख्य उद्देश्य है और ये सारी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य भी यही चाहते हैं। कुरैशी जी को आमंत्रित करूँगा, वो विषय वस्तु पर चर्चा करें। सर नमस्कार, मैं भी सर अभी तक कोई ट्रेनिंग में प्रशिक्षण में नहीं गया हूँ, मैं वहाँ 16 साल से हूँ भोमा में, जो टेमरी जी के साथ पहली बार मेरे को मौका मिला, तो मैं आज की विषय वस्तु पर चर्चा करना चाहता हूँ आकलन। हम स्कूल में लगातार सतत आकलन कर रहे हैं, तो आकलन कितने प्रकार से हम करते हैं, कौन कौन से आकलन करते हैं और आकलन का उद्देश्य क्या है, आकलन कौन कौन से आकलन कर रहे हैं हम, मौखिक और लिखित, साप्ताहिक आकलन, आवधिक आकलन। अच्छा, आवधिक आकलन कब होता है? आवधिक आकलन सर अपना 10वां सप्ताह में होगा, 1 से लेके 9 तक अपन क्या कहते हैं बोलेंगे, इसके बाद 10वां सप्ताह जब चालू होगा तो 10वें सप्ताह में अपन आवधिक आकलन लेंगे जिसे तिमाही परीक्षा। और साप्ताहिक आकलन मैडम? सर छठवां सप्ताह का 6वें दिन जो कार्य करवाते हैं अपन पाठ इसमें वर्कबुक में। जब हम आकलन करते हैं तो कुछ उसके आइकॉन दिए गए हैं, तो वो आइकॉन कौन कौन सी? पहला स्टार वाला स्वयं से वो कर पाया, और थंब वाला है सहयोग से कर पाया, और इस्माइल इस्माइल वाला है इसे और जरूरत है अभी। सर हम वाले बच्चों को सहयोग की आवश्यकता है, और वो जो स्टार वाले जो स्वयं वो उनको हेल्प करेंगे, थोड़े से सहयोग की आवश्यकता है, और स्माइलिंग जो बच्चे रहेंगे तो हम उनको सहयोग करेंगे टीचर के साथ। जो स्माइल वाले बच्चे हैं सर वो शिक्षक के साथ मिलके सहयोग कर सकते हैं, या जो स्टार वाले बच्चे हैं उनके साथ भी मिलकर स्माइल वाले बच्चों का सहयोग कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद। अच्छा सर, ट्रेकर जब हम भरते हैं तो ट्रैक करने से क्या फायदा है हमको, क्यों करते हैं ट्रैक करने से हमको क्या स्थिति प्राप्त करते हैं कि किस स्तर पे बच्चा है, कौन से सप्ताह में काम कर रहा है, उसकी स्थिति जानने के लिए टीकर किया जाता है।
अगर बच्चा कितना सीख रहा है, कितना सीख गया है सर, बच्चे कहाँ तक पहुँच चुके हैं बच्चे। ट्रेकर भरने के बाद हमको ये पता लग जाता है कि कौन से प्रश्न को अधिकतर बच्चों ने सही किया है और कौन से बिंदु कठिन आए हैं। तो अधिकांश बच्चों ने कौन से बिंदु कठिन बिंदु हमको जो ट्रेकर से मिलते हैं उस पर टीचर पुनर्मलन के माध्यम से या और अधिक प्रयास करके जो कठिन बिंदु आते हैं उस पर बच्चों पे काम करके उनकी उनके दक्षता लाने का प्रयास। बहुत से बच्चों ने उसमें क्या है नहीं कर पाए, बीच बीच में कई और आगे वाला कर दिया है, इधर का नहीं कर पाया। हाँ, तो उसमें अब हम चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद जो हम मैंने जैसे किया हूँ, जो बीच के इधर उधर के नहीं किए, जो वो बनाना है अपना, वो छठवें दिन में है ना, अभी दो ही दिन का दिया है, तीसरा चौथा पांचवा, ये चार दिन में उसको लेवल में लाना है, तो उसके बाद ही ट्रेकर भरेंगे। तो जैसे यहाँ से अब ये बच्चे ने यहाँ ये वाले में सुरुच में है ना, ये कुछ ही यहाँ एक हाथ जैसे इन नाव को छह में लगा दिया बोला ना, बाकी इधर ऐसे इस बीच में कई जगह उनने गलत कर दिया उसको। तो जो उसको चौथे पांचवे दिन अपन उसको भैया ये छह है उसको फिर से ठीक करवा सकेंगे। पुनर्बलन पुनर्बलन आओ उसके बाद ट्रेकर लगभग कम्प्लीट ही हो जाता है। वही मतलब समूह मिल जाएगा, फिर हमें पता रहेगा कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और उसको लेके हम उसके मतलब चार दिन हम पुनर्वलन करवाएंगे और उसके बाद भी ध्यान रखेंगे कि हमारा बच्चा किस स्तर पे कमजोर है तो हम उसको बकायदा टाइम देते हैं। लेकिन ट्रैकर हमें पहले और दूसरे दिन ही भरना है। ट्रैकर भरने में कठिनाई कहाँ आती सर? वो हमने वैसा कर तो क्या उसको सिखाए ट्रैकर जब हम भरने बैठते हैं ट्रैक करते हैं कहाँ कठिनाई लगा? कठिनाई नहीं आई, कठिनाई आपको नहीं आई? अच्छा, ट्रेकर भरने में किसी को कठिनाई आई क्या? सबसे समस्या ये आती है कि कुछ बच्चों के तो 10वें 9 सप्ताह कंप्लीट हो जाते हैं और वो 10वें में आते हैं तो हम उनका ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे लगातार अनुपस्थित है किसी कारण है और उनका 6वां सप्ताह चल रहा है, बिल्कुल कैसे ट्रैक करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे, ये समस्या, ये समस्या अनुपस्थिति के कारण हमें ट्रैक करने में बहुत दिक्कत। आदरणीय साथियों, आप लोगों का पुनः स्वागत अभिनंदन है और अभी तक हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, आप लोगों के द्वारा डिस्कशन किया गया, उन्हीं सब बिंदुओं को हम एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। आदरणीय देशमुख सर आपके सामने उन बिंदुओं का समेकन करेंगे। जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई आप लोगों के द्वारा भी सुझावात्मक बिंदु प्राप्त हुए, अपने अपने अनुभव को साझा किए और आने वाले अपने अपने शालाओं में कठिनाइयों को साझा किया गया। अभी कौन से ऐसे बिंदु थे जिन पे डिस्कशन हुआ है, बारी बारी से एक एक करके बताइएगा। पहले ट्रेकर भरना है, इसके बाद आकलन का उद्देश्य के ऊपर जाने, आकलन के प्रकार सर सिद्धांत किस सिद्धांत पर मतलब एप्ले में काम करते मूल्यांकन और पुनर्बलन सर आओ दोहराए और पुनर्बलन साप्ताहिक आकलन ट्रैकर सर आवधिक आकलन के बिंदुओं पर चर्चा ट्रैकर पर चर्चा हुई गणित का मौखिक आकलन मौखिक और लिखित आकलन के कार्य योजना के निर्माण करना बच्चों ट्रैकर में कौन कौन सी घटनाएं आती है आधार पर पाठ बनाना तैयार बिल्कुल सही ट्रैकर के आधार पर तैयार कर बहुत सर पिछले शैक्षिक संवाद में बहुकक्षा संचालन की पूरी जानकारी प्रारंभ में बहुत सही ट्रेकर में जो पिछले और अभी जो बदलाव पर भी चर्चा हुई जो बदलाव में पिछले सत्र में और इस सत्र में जो बदलाव हुए उस पर भी चर्चा हुई आकलन में क्या क्या परेशानी आती है उस पर चर्चा हुई उसके बाद आकलन लेने के बच्चा हमको पार्टी योजना बनाकर कार्य योजना बनाकर सतत मूल्यांकन करने के बाद बच्चों से आज हमने क्या सिखाया उसका फीडबैक लेना बहुत 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 धन्यवाद साथियों। आज हमने आकलन अवधि ट्रेकर अपडेट आओ दोहराएं पुनर्बलन पर चर्चा किए। दूसरा पॉइंट था ट्रेकर संकलन प्रपत्र के आधार पर पाठ योजना तैयार करना,
हमने एक प्रश्न यहाँ पर रखा था कि आवधिक आकलन विद्यार्थियों और शिक्षकों को किस प्रकार लाभ पहुंचा सकता है। इसका सटीक उत्तर ये है, जो अपेक्षित प्रतिक्रियाएं हुई हैं उसमें शिक्षकों को कैसे लाभप्रद है, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का पता चलता है, सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थियों के समूह निर्माण में मदद मिलेगी, और फिर उसके बाद जो कमजोर बच्चे हैं तीन ग्रुप में बांट दिए, पहला ग्रुप खुद कर लेगा, दूसरे को कुछ मदद की जरूरत है और तीसरे को शिक्षक पूरा समय देकर एक दो दिन में आकलन करने के बाद चार दिन उनके बीच में रहकर पुनर्बलन करके और उनकी मदद कर सकते हैं बच्चों की। अब विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है, उनके स्तर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सहयोग मिलता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि आवधिक आकलन और आव दोहराए पुनर्बलन एक दूसरे से कैसे संबंधित है, किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। तो अपेक्षित प्रतिक्रियाएं अपने तरफ से आई, यहाँ जो सटीक प्रतिक्रियाएं दी गई हैं वे आवधिक आकलन से विद्यार्थियों की लर्निंग नीड्स के बारे में पता चलता है और इसी आधार पर शिक्षक आव दोहराए पुनर्बलन की योजना बनाकर विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसी प्रकार बच्चों ने जो कुछ काम किया है उस पर बच्चों को बीच बीच में धन्यवाद करें, धन्यवाद ज्ञापित करें, उनसे प्रेम से बात करें। पता नहीं बच्चे किस किस परिस्थिति से हमारे यहाँ आते हैं, कई घर का माहौल ऐसा रहता है लड़ाई झगड़े हो गए और बच्चा वहीं से भूखा आ गया है, समझा नहीं, आके अपन लोगों ने भी अपने तेवर दिखा दिए तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा, भयभीत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के बच्चे अपने पास आते हैं। अभी जो गतिविधि कराई गई इसका आशय ये है कि हम भी कक्षा में हर बच्चे को अवसर प्रदान करें जिससे सबकी झिझक बच्चों की भूल जाए, जैसे अपन लोग आके जो भी बोलना है बोलिए, इस बीच में हमारी समझ में भी विकास होगा, हमारी समझ का विकास होगा, ताकि हम शब्द को शब्द भंडार या वाक्य या कोई नई नई चीजें खोज कर निकाल सके। इसी प्रकार बच्चों को भी हमें सभी बच्चों को अवसर देना। के बाद आपको एक लिंक प्रेषित की जा रही है, उसमें सभी लोगों को फीडबैक भरना है, यही फीडबैक हमारे शैक्षिक संवाद को सार्थक करेगा और हमारी उपस्थिति जाहिर होगी, इसलिए फीडबैक भरना है। सभी लोग एक लिंक को अपने अपने मोबाइल फोन पर ओपन, सभी साथी अपना फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, वेरी गुड। आदरणीय साथियों, इस शैक्षिक संवाद में आप लोगों ने बेहतर प्रदर्शन के साथ में अपनी अपनी बातें रखी और निश्चित तौर से आपने अध्यापन में आने वाली समस्याओं को यहाँ पर रखा और हमने उसका आपस में समाधान भी किया। आज के शैक्षिक संवाद में आप लोगों ने जो कुछ प्राप्त किया है और जो कुछ हमारे द्वारा आपको बताया गया है तो उसको पोस्ट वर्क के रूप में अपने अपने विद्यालय में उसको लागू करेंगे, ऐसी आशाएं हैं। और इन्हीं आशाओं के साथ में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस सत्र की समाप्ति की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।